बहराइच में आदमखोर भेड़िये की दहशत कायम है, लेकिन राहत की बात यह है कि बीते 36 घंटे में भेड़िये ने अभी तक किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है। भेड़िये के आतंक को लेकर शासन प्रशासन भी लगातार बैठकें कर रहा है। आज भी वन मंत्री बहराइच में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद वन विभाग की टीम हिंदूपुर गांव में पहुंचेगी। तो वन विभाग की टीम हिंदूपुर गांव जाएगी, भेड़िया आतंक से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसी को भी अभी तक 36 घंटे में शिकार नहीं बनाया है भेड़ियों ने। अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, लगातार आप बने हुए हैं, देर रात की भी हमने तस्वीरें देखी जब आप लगातार ग्रामीणों के साथ भी निगरानी करते हुए नजर आए, वहां पर भी न्यूज 18 की टीम मौजूद रही। अभी के क्या मौजूदा हालात हैं? हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 36 घंटे में कोई अटैक नहीं हुआ है, लेकिन वन विभाग क्या कहता है, कब तक पकड़ लिया जाएगा भेड़ियों को? देखिए शिनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो इस वक्त न्यूज 18 देख रहे हैं, 36 घंटे से भेड़िये की कोई भी मूवमेंट ना इंदुपुरवा में, ना चमरा गरौठी में और ना नवन गरेठी में। इस वक्त हम लोग चमरा गरेठी और नवन गरेठी के बीच में देखेंगे। एक मैं आपको ऐसे आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये एक पूरा तालाब नाला है, इसके उस तरफ चमरन गरेठी है और इस तरफ कहा जाए तो नवन गरेठी, इन दोनों के बीच में तीन दिन पूर्व देखा गया। तो राइट हैंड साइड की अगर बात कीजिए, जहां ये साइकिल वाले सज्जन खड़े हैं, इससे आगे गांव में तीन दिन पहले एक बच्ची पर हमला किया गया था जिसमें बच्ची की मौत हुई और बुजुर्ग महिला घायल हो गई थी, जिसके बाद से रेस्क्यू टीम पूरी लगातार लगी रही, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने 27 टीमें बना के फुट पेट्रोलिंग की, क्योंकि एक बड़ा एरिया है। अगर बात की जाए यहां से लेकर नानपारा तक और यहां से ले जाए हरियर घाट तक, चारों तरफ से जहां जहां तालाब है, जहां जहां तलैया है, जहां जहां खेत है, वहां फुट पेट्रोलिंग पुलिस ने की और इन सब के बीच ग्रामीणों को इस बात का विश्वास दिलाया कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बात को लोगों के जहन में पूरे कल दिन भर ये वर्कशॉप चली और कल रात में 1 बजे रात तक वर्कशॉप चली, जहां एडिशनल एसपी यहां पवित्र मोहन त्रिपाठी ने पूरी रात भर 1:30 बजे रात तक लोगों के साथ यहां बैठके की, ग्राम प्रधानों को रखा, पूर्व ग्राम प्रधानों को रखा, जिला पंचायत के सदस्यों को, ग्राम प्रधानों और ग्राम सभा के लोगों को रखा गया। और ऐसे में वर्तमान स्थिति है कि अभी फिलहाल 36 घंटे से शांति बनी हुई और कहीं भी कोई ऐसी घटना के बारे में नहीं पता चला है, ना तो पुलिस को, ना प्रशासनिक अधिकारियों को और ना ही ग्रामीणों को। हालांकि ग्रामीणों ने इस चीज में थोड़ी राहत महसूस की, क्योंकि उनको 8-8 शिफ्टें बनाकर, 3-3 घंटों की शिफ्टें में 8-8 लोगों को अपने गांव में लगाना पड़ता, कहीं 5 शिफ्टें, कहीं 3 शिफ्टें, कहीं 2 शिफ्टें। और ऐसे में युवा जहां एक और रात में मोर्चा संभाल रहे थे पिछले कई दिनों से, तो बुजुर्ग सुबह दिन में महिलाएं और रात के बाद शाम को 7 बजे से लेकर सुबह तक युवा, और ऐसे में बीती 2 रातों से अगर बात की जाए तो राहत भरी आज की जो रात चली गई राहत भरी रही और ऐसे में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और अब जब वन मंत्री यहां पहुंचेंगे और बैठक लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है जिन जिन क्षेत्रों में एक्सपेक्टेशन थी या एक्सपेक्टेड था कि यहां देखा गया, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, फील्ड को लाया जाएगा, जाल को रखा जाएगा, फ्रिंगल्स लगाए जाएंगे, ऐसी तमाम चीजें हैं जो वर्कशॉप अब से की जाएंगी, क्योंकि पकड़ना एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन इन सब के बीच शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अफवाहों का भी बाजार बड़ा गर्म है। अगर रामलाल से पूछा, उसने कहा मैकू लाल ने देखा, मैकू लाल ने कहा दीनानाथ ने, दीनानाथ ने भास्कर ने देखा, भास्कर ने देखा सुरेश ने, सुरेश ने कहा महेश, महेश ने कहा दिनेश, ऐसी चेन्स बनती चली गई। मगर वास्तविकता यह, ना तो दिनेश ने देखा, ना सुरेश ने, ना महेश ने, ना मैकू लाल ने, रामलाल ने, किसी ने भेड़िया नहीं देखा। लेकिन अफवाहें भी इस दौरान खूब चली, चौराहों पर गॉसिप चली, जिस कारण से लोगों के जहन में कहीं ना कहीं दहशत और बढ़ी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी अपना पूरा काम कर रहे हैं और अब मंत्री की बैठक बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। गोरखपुर के जंगल सीकरी गांव में एक पागल कुत्ते का आतंक है। कुत्ते ने 7 साल की बच्ची को काट लिया और आनन फानन में बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुत्ते के काटने से बच्ची के पैर में गहरा जख्म हुआ है। खोराबार थाना क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यह कुत्ता लगभग 10 लोगों को अब तक काट चुका है। बच्ची को कुत्ता काट दिया है और पागल कुत्ता है और यहाँ कुत्तों का बहुत आतंक हो गया है। अभी मैं अस्पताल पे आया हूँ तो सुना हूँ कि यहाँ 10 केस आ चुका है। आपके गांव में कितने लोगों को काटा? कम से कम जंगल सिकरी में 10 लोगों को काटा है।
लखीमपुर खीरी में देखते ही देखते एक घर नदी में समा गया। मकान 15 सेकंड में नदी में समा गया। शारदा नदी में कटान के चलते यह हादसा हुआ है। निघासन तहसील इलाके की यह घटना बताई गई। 15 सेकंड के अंदर नदी में समाया मकान, देख सकते हैं तस्वीरें आप। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। मुआवजा मिलेगा नहीं या नहीं मिलेगा, ये पूरा आवास रत्नों का गिर गया है। बागपत में छात्र की पिटाई का उधर वीडियो एक सामने आया है, जहां पर 3 लड़कों ने एक छात्र को 30 सेकंड में 100 थप्पड़ मारे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छपरौली थाना क्षेत्र के लूम हैवा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। कानपुर में स्कूल वैन पलटने की वजह से 3 बच्चे घायल हो गए और इनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर को रास्ता देने के दौरान यह हादसा हुआ है। घायल बच्चे 3 से 10 साल के बीच के हैं। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के न्यू आजाद नगर सकरापुर मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। ड्राइवर दलनपुर इलाके में 6 बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा था। फतेहपुर में गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता ने 2 मुस्लिम युवक पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के हाथ तोड़ दिए। महिला खेत में चारा लेने के लिए गई थी। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हाथरस में कहासुनी के बाद हमलावरों ने एक युवक पर चाकू से अटैक कर दिया। आनंद फानंद में घायल युवक को अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां पर कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सालिमपुर गांव की घटना बताई गई। ललितपुर में आयरन सोने के भंडारण को मापने के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। गिरार क्षेत्र के बड़वार में आयरन और सोने के भंडारण को मापने के लिए निजी कंपनी ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें, बड़वार में 231 हेक्टेयर में तैनात ब्लॉकों को खनन के लिए आवंटित किया गया था। झांसी में आरपीएफ ने 6 दुर्लभ विदेशी नस्ल के खरगोश को पकड़ा है। हजरत निजामुद्दीन यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस के कोच से खरगोश मिले हैं। आरपीएफ ने कार्टन में पैक किए गए 6 दुर्लभ विदेशी नस्ल के खरगोश को बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया है। खरगोशों को ले जाने वाले यात्री को हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ जारी। फतेहपुर में संदिग्ध हालत में साधु की मौत हो गई। साधु का शव कुएं में मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि साधु रामायण पाठ में शामिल होने मंदिर आया था। असोधर थाना के सेमरी गांव की यह वारदात बताई गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।